नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट टू देख रहे हैं। पार्ट वन मैंने बनाया है, अगर आपने देखा नहीं है तो उसे एक बार देखिए। इसमें हम कुछ इस तरह के डिफरेंशिएशंस देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप कुछ एडजस्टमेंट से चलेंगे, जैसे आप इसको लिख दें साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स। अब आप इसे लिखें साइन इनवर्स साइन एक्स, वन बाय रूट टू को लिख दें कॉस पाई बाय फोर, प्लस इसे लिख दें साइन पाई बाय फोर कॉस एक्स। तो ये बना आपका वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर, और विच इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाय फोर, जो कि एक्स प्लस पाई बाय फोर के इक्वल है, एंड देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव इज, इसलिए इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय फोर बींग अ कॉन्स्टेंट जीरो होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर वन। सिमिलरली अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर टू इसी टाइप का अगर आप देखें, तो कॉस इनवर्स रूट थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन टू इसे भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कॉस इनवर्स कॉस, आप इसको लिखिएगा कॉस एक्स इंटू रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू होगा आपका कॉस 30 डिग्री मीन्स कॉस पाई बाय सिक्स, प्लस वन बाय टू साइन 30 डिग्री मीन्स साइन पाई बाय सिक्स इंटू साइन एक्स। तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी। तो आप इसको एक्स माइनस पाई बाय सिक्स लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय सिक्स, और देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स उसका होगा आपका वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो विच इज वन नेचुरली। अब अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री वाई इक्वल टू, देखिए अगर वाई इक्वल टू आपके पास इस तरह से है साइन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स अपॉन टू, चाहे तो यहाँ पे माइनस ले लें, वो प्लस जैसा वहाँ हो गया तो यहाँ माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स की जगह आपको कॉस अल्फा रखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट वन प्लस कॉस अल्फा माइनस रूट वन माइनस कॉस अल्फा अपॉन टू, बन गया ये आपका साइन इनवर्स रूट वन प्लस कॉस अल्फा। आप बताएं रूट वन प्लस कॉस अल्फा होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू अपॉन टू। अब ध्यान से देखिए साइन इनवर्स रूट टू कॉमन ले लिया कॉस अल्फा बाय टू, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल, माइनस रूट टू आपने कॉमन ले लिया है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा साइन अल्फा बाय टू अपॉन टू, ये टू टू कैंसिल, रूट टू से ये टू कैंसिल, तो ये रूट टू आ जाएगा। अब आप इसको लिख पाएंगे साइन इनवर्स वन बाय रूट टू कॉस अल्फा बाय टू माइनस वन बाय रूट टू साइन अल्फा बाय टू, मीन्स साइन इनवर्स
अगर आप इस 1 बाय रूट 2 को लिख दें साइन साइन पाई बाय 4 कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 4 साइन अल्फा बाय 2, तो ये आपका दोस्तों बन गया साइन इनवर्स। क्या बन गया आप समझ सकते हैं, ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। अब ये बचेगा आपका पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। अब ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू y, ये y के बराबर है। पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम 1 इज व्हाट, कॉस इनवर्स x। तो इसका dy बाय dx हो जाएगा 0 माइनस 1 बाय 2 और कॉस इनवर्स का होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस वाज द डेरिवेटिव ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन। इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने देखा जो y इक्वल टू साइन इनवर्स और इस तरह से लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का सजेस्ट करता हूँ करने के लिए, तो आप इसको सेल्फ ट्राई करना, प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना। अगर आपके पास लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, तब आप एक्स की जगह क्या रख देंगे, तब अगर आप एक्स की जगह क्या रख दें साइन अल्फा रख दें, यहां रूट टू आएगा साइन अल्फा रख दें, तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा वन बाय रूट टू और यहाँ हो जाएगा वन बाय रूट टू और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसको करें और फिर मुझे प्रॉब्लम लिख भेजें। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है कई वीडियोज़ में, मैं फिर शेयर करता हूँ 9685698056। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें मुझे व्हाट्सएप करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप करिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से अगर आपके पास है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट थ्री एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो आप एक्स की जगह क्या रख दें साइन अल्फा रख दें। तो एक्स की जगह अगर आप साइन अल्फा रखेंगे तो सोच के देखें कि क्या होने वाला है, वाई इक्वल टू, और सभी क्वेश्चन में ऐसा ही है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपको क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। तो आप इसमें एक्स की जगह साइन अल्फा रख देंगे, साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा और रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू को कॉस में लिख दें, कॉस पाई बाय रूट थ्री बाय टू क्या होता है कॉस 30 डिग्री, तो ये हो गया पाई बाय 6 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और स्क्वायर रूट हटेगा कॉस अल्फा इंटू 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू इज साइन पाई बाय 6 साइन 30 डिग्री, ये हो गया आपका साइन। बड़ा आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं और हौसला बनाए रखेंगे तो सब काम आसान हो जाएगा। अल्फा माइनस पाई बाय 6, अल्फा का वैल्यू रख दें, अल्फा इज साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 6, तो ये इसका डी वाई बाय डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पाई बाय 6 का बीइंग अ कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कैसे किया हमने। आप इसी तरह से और भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ, और सारे टाइप के डेरिवेटिव्स हम समझते हैं देखते हैं। जो इनवर्स पे बेस्ड है, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये एक्सक्लूसिवली इनवर्स डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए
आप बहुत ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू, अगर आपके पास इस तरह से है, cos इनवर्स a cos x प्लस b sin x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या लिख सकेंगे आप? इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है, a की जगह आप रख दीजिए r cos अल्फा या r sin अल्फा, b की जगह रख दीजिए आप r sin अल्फा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स कॉस अल्फा ए कॉस, ये देखिए एक्स की जगह रख, ए की जगह रखा है आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा कॉस एक्स, आर साइन अल्फा साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आपका बन गया दोस्तों कॉस इनवर्स, आर कॉमन ले लें cos x cos alpha sin x sin alpha होल अपॉन, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर विच इज आर, और अंदर हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा विच इज वन, ये आर आर कैंसिल, ये हो गया आपके पास cos इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? तो इसको अगर आपने वन दे दिया, ध्यान से देखिए अल्फा की वैल्यू किससे लिख सकते हैं आप? तो अल्फा की वैल्यू इससे लिख दें या आप इससे लिख दें, तो मान लीजिए कि मैं इससे लिख देता हूं, क्या है इसकी वैल्यू? एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू है ए अपॉन आर, सॉरी कॉस अल्फा है ए अपॉन आर, कॉस उधर गया, देखिए मैं यहाँ निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको, ये आया कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू है, आर की भी वैल्यू डाल दी मैंने। व्हाट इज आर? आर इसकी दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो आर आ जाएगा आपके पास, तो ये है आपके पास कॉस इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका डी वाई बाई डी एक्स करें तो ये हो जाएगा वन माइनस, बीइंग अ कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव जीरो। ये आर अगर आपको कंफ्यूजन दे रहा हो तो मैं आपकी आर की वैल्यू यहां निकाल के बता देता हूं आपको, यहां देखिए आप ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीइंग अ कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव कितना हो गया आपके पास? उसका डेरिवेटिव आपके पास जीरो हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, जिसमें आप और ज्यादा सीख पाएंगे। y इज इक्वल टू ऐसा दे दिया आपको 3x प्लस फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में आया भी है, तो इसे क्या लिख सकेंगे हम? तो ध्यान से देखें, अगर आपका दिमाग चलेगा तो कुछ कहता होगा दिमाग कि ये x है, ये 3 बाय फाइव है, ये 4 बाय फाइव है, और ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या रख दें आप? साइन अल्फा, तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा आपका कॉस अल्फा, और 3 बाय फाइव आप क्या मान सकते हो? 3 बाय फाइव एक नंबर है 1 से छोटा, तो इसको आप मान लें, इसको साइन अल्फा लिया आपने इस वाले को, तो नेचुरली इसको कॉस लेना चाहिए, क्योंकि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इस तरह की बनती है आइडेंटिटी,
तो 3/5 इज लेस देन 1, इसको आप मान लें 3/5 को कॉस बीटा। तो अगर आपने इसको 3/5 को कॉस बीटा माना है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसका बेस 3 है और हाइपरटेन्यूस कितना है 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा उसका, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। तो इससे आपको पता चलेगा कि साइन बीटा कितना होगा, जब ये बीटा है कॉस बीटा 3/5 है तो ये बीटा है, तो साइन बीटा कितना हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा 4/5। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, एक्स की जगह रख दें आप साइन अल्फा, और क्या लिखा है 3/5 की जगह रख दें कॉस बीटा, प्लस 4/5 की जगह रख दें साइन बीटा, और उसकी जगह रख दें आप कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, मींस अल्फा प्लस बीटा। और व्हाट इज अल्फा, अल्फा आप निकाल लें, अल्फा की वैल्यू किससे किससे निकालेंगे, तो ये भी है और ये भी है, इससे भी निकाल सकते हैं इससे भी, लेकिन सबसे सिंपल तो इसी से। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू किससे निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू आप इससे निकाल लो उससे निकाल लो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आगे की बात सुनो आप, अगर आप इससे निकाल लेते हो तो ये हो जाएगी कॉस इनवर्स 3/5, और आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन में ये इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि बीइंग अ कांस्टेंट है बराबर, और इस ये वाली रख दी आपने बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 तो भी 0, क्योंकि बीइंग अ कांस्टेंट, बीइंग अ कांस्टेंट, तो dy/dx आपका आ जाएगा जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/√(1 − x²) प्लस 0। 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि कॉस इनवर्स 3/5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से देखा हमने कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अब देखते चलो कुछ क्वेश्चंस टेन इनवर्स के, इसी टाइप के जो उलझन के हैं, आए उनको सुलझाते हैं अपन। जब तक प्रॉब्लम आएगी नहीं तब तक उसका सलूशन आएगा नहीं, और प्रॉब्लम और सलूशन दोनों साथ साथ आएंगे, ये बात आपको याद रखना है कि प्रॉब्लम और सलूशन दोनों साथ साथ आते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो y इज इक्वल टू आपके पास है मान लीजिए tan इनवर्स 1 − cos x / sin x, तो डिफ्रेंशिएट करना है, क्वेश्चन आपका फिक्स है कि ये गिवन है और ये डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे आप इसको, tan इनवर्स 1 − cos x को क्या लिख देंगे 2 sin x / 2 cos x / 2, 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स sin x / 2 cos x / 2 tan इनवर्स के अंदर tan दोनों गायब, x/2 को क्या लिख देंगे 1/2 × x, डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो हो जाएगा 1/2 × डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो आंसर आ गया आपका 1/2। अगर आपके पास इसी तरह का कोई दूसरा सवाल है, मान लीजिए आपके पास ये सवाल cot इनवर्स में आ जाए, तो आप इसी तरीके से करते हैं, कैसे करेंगे डील, यही लिखेंगे आप 2 sin² x / 2 2 sin x / 2 cos x / 2, सॉरी इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, और जब हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा cot इनवर्स, यहां जैसा किया था वैसे ही होगा, ये tan x / 2 हो जाएगा tan x / 2, तो ये आपके पास हो जाएगा cot इनवर्स के अंदर जब tan आएगा तो आप उसको लिख सकोगे cot π/2 − x / 2, तो ये बना आपका π/2 − x / 2 को 1/2 x लिख दो। अब इसका डिफरेंशिएशन dy/dx 0 − 1/2 × 1, तो ये आंसर आ गया आपका −1/2। तो ये देखा आपने कि
कि tan इनवर्स का क्वेश्चन था, हमने कैसे किया उसको। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी बात करते हैं, जिसमें आपको कभी कभी सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू tan इनवर्स वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब जैसे रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आया तो एक्स की जगह क्या आइडेंटिटी लगेगी, तो यूजुअली वही लगती है जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखी है, जैसे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो वो लगा दी एक्स की जगह टेन थीटा, है ना। और थोड़ा सा आपको फोरसाइटेडनेस रखना है, आगे का भी सोचते रहना है। ये हो जाएगा वन प्लस रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, अंडर रूट गया तो क्या बन गया सेक थीटा, टेन थीटा इज टेन थीटा। अभी लिख देते हैं, फिर अगली स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, है ना। टेन इनवर्स वन प्लस सेक को लिख दो आप वन बाय कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो आप वन प्लस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कट, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा, क्या होगा वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला, और साइन थीटा इज टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। तो ये टू कॉस टू टू कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा बाय टू से, ये तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स आ गया आपके पास कॉस थीटा बाय टू अपॉन साइन थीटा बाय टू विच इज कॉट थीटा बाय टू। तो आप इसको लिख पाएंगे टेन इनवर्स कॉट थीटा बाय टू, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट थीटा बाय टू। तो टेन इनवर्स कॉट को लिख दें आप टेन पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू, पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस वन बाय टू वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज व्हाट, तो यू कैन सी टेन एक्स थीटा, टेन थीटा एक्स है तो थीटा विल बी टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया वाई, अब ये हो जाएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स, फाइव बाई टू का जीरो माइनस वन बाय टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपके पास इसी तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें ऐसा लिखा हो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करना और इसका आंसर भी मुझे लिखना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता की बात ही नहीं है उसमें। अब अगर आपके पास थोड़ा सा फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको नई 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 चीजें सीखने को मिलती रहे, देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स
प्लस रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स निकालो। तो y इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकेंगे हम, टेन इनवर्स रूट वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, हाफ हाफ एंगल वाले फॉर्मूले याद कर लीजिए, बस हाफ एंगल के फॉर्मूले याद कर लीजिए, रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस, अगर आपके पास फॉर्मूले नहीं तो आप मुझे लिख भेजिए, मैं आपको फॉर्मूले भेज दूंगा। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताया हुआ है, आप अपनी प्रॉब्लम जरूर से शेयर करें। ये आप एंगल फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स, इससे रूट टू कॉमन, नीचे से भी रूट टू कॉमन, ऊपर देखिए अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बाय टू, इसका अंडर रूट गया तो साइन एक्स बाय टू बन जाएगा। रूट टू कैंसिल। अब अगर आप इसको कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, देखिए। तो ये हमने बहुत आसानी से, इसके प्रूफ होते हैं, आप देखते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं है, आप कंफर्टेबली करते भी जाएंगे साथ साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं। कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करेंगे तो जाएगा वन माइनस टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाय टू। ये बना आपका y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ये भी एक फॉर्मूला है, आपको कीप दिस इन माइंड। तो ये टेन इनवर्स टेन चले गए तो क्या बचा आपके पास, पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू जीरो माइनस वन बाय टू इंटू एक्स का वन, तो ये आ गया आपके पास माइनस वन बाय टू। इसी तरह से आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप खुद ट्राई करना, वो इस तरह से है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स रूट वन माइनस साइन एक्स रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स। थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे, फिर मुझे लिख के बताएंगे कि क्या आंसर है। आंसर बड़ा कॉम्पैक्ट है, आंसर भी मैं आपसे डिस्कस नहीं करता, आप इसका आंसर निकालिएगा। हाँ, एक में आप चाहेंगे तो हिंट दे सकता हूँ कि साइन एक्स को आप लिख लीजिए, साइन एक्स को आप लिख लेना कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन एक्स को आप लिख दीजिएगा कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, और फिर आप इसको ट्राई करिए और मुझे लिख बताइए कि आपका आंसर क्या है। अगर आपके पास एक और, मैं आपको इन कंटिन्यूएशन टू दिस, इसी के कंटिन्यूएशन में और अगले वीडियो में हम थोड़े एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस बनाएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़े डिफिकल्ट होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अगला वीडियो, पिछला वीडियो भी देखिए, अगला वीडियो भी देखिए, आगे के सारे वीडियोस देखिए। अगर आपका मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक कमज़ोर रह गया हो तो भी आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, छोटे भाई बहनों को, मेरे सारे वीडियोस हैं, क्लास 6 to 12 सारे हैं, जेई के लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप सभी देख सकते हैं। और मैं वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, मैथमेटिक्स में पीएचडी हूँ, तो इसलिए मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह आप कॉस थीटा रखना एंड इट विल बिकम एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, वहाँ हमने देखा था आपका आया था 10 पाई बाय 4 माइनस, उसमें x था तो इसमें आ जाएगा थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव
जीरो माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स का हो जाएगा माइनस वन बाय टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू टू एक्स, ये इसका आंसर था। तो दोस्तों मेरे साथ हमेशा बने रहें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करें। विश यू ऑल द बेस्ट।